हाय एवरीवन, मैं हूं जसस्विनी। आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे डिवाइन स्पिरिचुअल चैनल जसस्विनी द डिवाइन फेमिनाइन ग्लक्स में। फ्रेंड्स, आज है एक बहुत ऑस्पिशियस डे। आज है मोहिनी एकादशी। फ्रेंड्स, आज के दिन किया हुआ कोई भी उपाय खाली नहीं जाती है। फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आज के दिन आपको क्या करना है? फ्रेंड्स, आज के दिन इस मोहिनी एकादशी के दिन या फिर किसी भी एकादशी के दिन, फ्रेंड्स, आपको जो तुलसी मैया की पूजन तो करनी है, लेकिन उससे पहले जब आप नहाएंगे, नहाने के पानी में बकेट भर जो पानी है ना बाल्टी में, आपको इस तुलसी माँ का जो पौधा है ना, इसके जड़ की मिट्टी, ओके फ्रेंड्स, इस जड़ की मिट्टी को आप थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा ही लीजिए, चुटकी भर लीजिए एंड उसको पानी में मिलाइए उस बाल्टी में एंड नहलाइए अपने आप को, ओके फ्रेंड्स, नहाइए उसमें। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, उस पानी में आप थोड़ा सा मंजरी एंड थोड़ा सा सूखा हुआ पत्ता तुलसी का, ये जो नीचे गिरा है ना, आज के दिन आप बिल्कुल भी मतलब उतारिएगा मत, निकालिएगा मत, तोड़िएगा मत, ये तुलसी का पत्ता एंड तुलसी दल कुछ भी निकालिए, पहले ही निकाल कर रखिए अगर आपको यूज़ करना है तो, ओके फ्रेंड्स। आपको थोड़ा सा मिट्टी, जड़ की मिट्टी, तुलसी माँ की जड़ की मिट्टी एंड उसके साथ साथ सूखा हुआ पत्ता, ये सब डालकर मतलब नहाना है पानी में डालकर। एंड उसके साथ साथ फ्रेंड्स, नहाने के बाद आपने अब खुद नहा लिया, अब आपको तुलसी माँ का पूजन करना है। गंगा जल, रोज़ वाटर, ये सब डालकर आप तुलसी माँ को पूजा करें फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तुलसी माँ को आपने पूजा कर लिया, ओके फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, चलिए वो भी जानते हैं। आपको जितना श्रृंगार सामग्री है आप डेफिनेटली उनको चढ़ाएं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं आगे। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी मूर्ति है, कान्हा की या फिर राम भगवान की या फिर नारायण भगवान की, उनको नहलाइए, ओके फ्रेंड्स। वही गंगा जल, गुलाब जल सब डालकर उनको भी तुलसी दल या फिर तुलसी का पत्ता अर्पित कीजिए। सूखा भी आप अर्पित कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो भी फूल वगैरह अर्पित करना हो आप कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप घी का दिया ज़रूर जलाइएगा एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जितनी हो सके उतनी चांटिंग कीजिएगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको उसके बाद फ्रेंड्स, ऐसे ही एक कपूर की टिकिया लेनी है, एक छोटी सी कपूर का एक पीस लेना है एंड फूल वाला लौंग लेने हैं दो, एंड उसको आप इसी नारायण के सामने या फिर कृष्ण भगवान के सामने या फिर राम भगवान के सामने रख कर जला देनी है। अपनी मनोकामना को होता हुआ सोचकर, अपनी मनोकामना को होता हुआ सोचकर आपको जला देनी है। एंड जब तक जलेगा आप डेफिनेटली वहाँ पर बैठ रहें एंड घी का दिया जलाएं एंड वहाँ पर आप बैठकर आपको अब जितना कर सकते हैं, मिनिमम तो 108 टाइम्स आप करेंगे ही करेंगे चैंटिंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप जितना कर सकते हैं उतना चैंटिंग कीजिएगा। आज के दिन इस मोहिनी एकादशी एक बहुत ऑस्पिशियस डे है, इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाती है। सो फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली इस उपाय को कीजिएगा, आपकी जो भी बड़ी सी मनोकामना है ना, वो 100% पूर्ण होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जितने भी नए लोग देख रहे हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। आपकी